हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आखिर भीम ने क्यों बनाए एक राक्षसी के साथ संबंध? पहले तो आप राक्षस का अर्थ जानें। राक्षस का अर्थ वह नहीं होता जो आम आदमी समझते हैं कि बड़े बड़े दांत और नख होते हैं, उन्हें सींग और लंबे बाल होते हैं, बलशाली होते हैं। ये एक आम धारणा है, लेकिन राक्षस संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है अपनी संस्कृति की परंपराओं की रक्षा करना। हिडिंबा एक आदिवासी राजकुमारी थी, जैसे आज भी भारत के लोग गांवों में बसते हैं। लाक्षाग्रह से बच निकलने के बाद पांडव घने वन में दूर तक चलते रहे। अंत में थक कर वे सो गए। उस वन में हिडिंब नामक नरभक्षी का राज्य था। उसने अपनी बहन हिडिंबा को शिकार करने के लिए भेजा। हिडिंबा ने सोते हुए पांडवों को और कुंती को देखा। सबसे हष्टपुष्ट व पहलवान से मजबूत भीम को देखकर वह भीम के ऊपर मोहित हो गई। उसने माया से अपना सुंदर रूप धरा और भीम के पैरों को अपनी गोद में रखकर उन्हें दबाने लगी। भीम की निद्रा खुली व उसने हिडिंबा से उसका परिचय पूछा। हिडिंबा ने सब कुछ कह सुनाया व भीम को अपने परिवार को लेकर वहां से जाने को कहा, किंतु इतने में ही उसे ढूंढता हुआ उसका भाई हिडिंब आ गया। हिडिंब यह सब देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ, क्योंकि उसके आदिवासी राक्षस कुल में बाहरी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने को ठीक नहीं समझा जाता था। हिडिंब ने इसका विरोध किया और अपनी बहन को और भीम को भी क्रोधित होकर इस बात को ठीक तरह से समझाया। भीम व हिडिंब में इसी बात को लेकर भयानक युद्ध हुआ और भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। उसके पश्चात हिडिंबा ने भी भीम से प्रेम निवेदन किया, जो युद्ध से उत्तेजित हुए भीम ने क्रोध में ठुकरा दिया। तब हिडिंबा ने कुंती से अपने मन की बात कही। मौके को देखते हुए कुंती ने भीम को हिडिंबा की इच्छा पूर्ति करने का आदेश दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रत्येक दिन वो भीम को अपने साथ ले जा सकती है, किंतु रात्रि में भीम को लौटकर अपने परिवार के पास आना होगा। हिडिंबा ने शर्त स्वीकार कर ली और भीम ने कुंती की आज्ञा का पालन करते हुए हिडिंबा के साथ संबंध बनाए। पांडव राक्षसों के संरक्षण में उसी वन में रहते रहे। फिर हिडिंबा गर्भवती हुई और उसने घटोत्कच नामक पुत्र को जन्म दिया। घटोत्कच का अर्थ है घट या घड़े से उत्पन्न। उसका यह नाम पड़ा उसके घट जैसे चिकने केस विहीन सिर के कारण। घटोत्कच के जन्म के पश्चात सभी पांडवों व कुंती ने उसे आशीर्वाद दिया व फिर वे सब हिडिंबा व घटोत्कच को छोड़कर आगे बढ़ गए। घटोत्कच एक प्रकार से पांडवों का सबसे बड़ा पुत्र था। भीम व हिडिंबा का वैदिक रीति से विवाह नहीं हुआ था और भीम ने उसे अपनी पत्नी का स्थान कभी नहीं दिया, किंतु पांडवों को घटोत्कच बहुत प्रिय था। घटोत्कच भी स्मरण मात्र से ही पांडवों के पास पहुंच जाता था। जब धूत सभा के पश्चात वनवास के समय पांडव वन पार कर अर्जुन की स्वर्ग से लौटने की प्रतीक्षा करने गंधमादन पर्वत जा रहे थे, तब थकी हुई द्रौपदी को घटोत्कच ने अपने कंधे पर बैठा कर घने वन पार कर आए थे। कदाचित यह स्थान वर्तमान के हिमाचल के पास हो, क्योंकि मनाली में हिडिंबा का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वैसे नागालैंड का भी एक क्षेत्र हिडिंबा व घटोत्कच के रहने का स्थान हो सकता है, क्योंकि यहाँ की एक जनजाति
स्वयं को हिडिंबा का वंशज मानती है। यह भी हो सकता है कि हिडिंबा पहले नागालैंड के पास रहती रही हो और बाद में मनाली के पास आकर रहने लगी हो। वैसे उत्तर प्रदेश में बागपत जिले के अंतर्गत आते बरनावा को महाभारत काल का वर्णावत नगर माना जाता है, जहां लाक्षाग्रह कांड हुआ था। यह स्थान नागालैंड की अपेक्षा मनाली के अधिक निकट है। अब तो कुछ भी कहना मुश्किल है। घटोत्कच बहुत वीर था। हिडिंबा के पुत्र होने के कारण वह माया में निपुण था और भीम का पुत्र होने के कारण उसमें शारीरिक बल भी बहुत था, किंतु राक्षसों के बीच रहने के कारण वो नरभक्षी भी था। कृष्ण के कहने पर उसका विवाह भगदत्त के सेनापति मुर की पुत्री मौरवी से हुआ था। उसका एक पुत्र अंजना पर्वन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ रहा था। उसका वध अश्वत्थामा के हाथों हुआ था। कौरवों की सेना में जो राक्षसों की टुकड़ी थी उनका सफाया घटोत्कच ने ही किया था। युद्ध के आठवें दिन अर्जुन का पुत्र इरावन का वध राक्षस अलम्बुस ने किया था और उसे भी घटोत्कच ने ही मारा था। इरावन के वध के बाद घटोत्कच को क्रोध आया था और उसने लगभग दुर्योधन को भी मार ही डाला था। जिस दिन वीर घटोत्कच का वध हुआ था वो युद्ध के 14वें दिन की रात्रि थी। द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति थे और उस दिन कौरव सेना की सबसे बड़ी हार हुई थी। सारे व्यूहों में और सुरक्षा चक्रों और महारथियों के होते हुए भी अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया था और इस उद्देश्य की पूर्ति के चक्कर में कौरवों की 7 औक्षणी सेना का नाश कर दिया था। तिलमिलाए कौरवों ने सूर्यास्त के पश्चात भी युद्ध नहीं रोका और लड़ते रहे। अर्जुन भीम व सात्यकी कौरव सेना की कई मील भीतर थे और कदाचित कौरवों ने यही सोचा हो कि पूरे दिन के थके हुए इन योद्धाओं को सूर्यास्त के बाद घेर कर मार डालेंगे और इसी वजह से युद्ध नहीं रोका, किंतु उनके मंसूबों पर रक्तपात कर दिया घटोत्कच ने। घटोत्कच युद्ध तो आरंभ से ही कर रहा था, किंतु सूर्यास्त के पश्चात युद्ध करने का वह पहला अवसर था। सूर्यास्त के पश्चात राक्षसों व अन्य निशाचरों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और यही हुआ। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और उसने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन की मृत्यु सिर पर मंडराती दिखाई देने लगी। उसने कर्ण को लड़ने भेजा, किंतु घटोत्कच को पराजित करना कर्ण के बस में नहीं था। तब अपने प्राण संकट में देख कर्ण ने इंद्र से मांगी हुई वसवी शक्ति का उपयोग किया, जिसे उसने अर्जुन के लिए बचा रखा था। वह शक्ति अमोघ थी और उसने वीर घटोत्कच का अंत कर दिया। गिरते हुए भी घटोत्कच ने अपने शरीर का आकार विशाल काय बना लिया और कौरवों पर गिर गया। उस दिन घटोत्कच ने कौरवों की एक औक्षणी सेना का अंत कर दिया। घटोत्कच के एक अन्य पुत्र कहे जाने वाले बर्बरीक की कथा स्कंद पुराण में है, किंतु महाभारत के किसी भी संस्करण में नहीं है, उसका उल्लेख नहीं है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में मात्र क्षत्रिय ही नहीं मारे गए थे, अपितु राक्षसों व नाग जैसी अन्य जातियों का भी नाश हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? यदि जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियो उनको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे।